अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एमए पॉलिटिकल साइंस के बारे में। इसका रिजल्ट अभी आ चुका है, 3-4 दिन पहले मैंने आपको दिखाई है लिस्ट अपने चैनल पे, मैंने वीडियो अपलोड की थी। कट ऑफ वॉज रियली वेरी हाई, जो जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, जो क्वालिफाई नहीं कर पाए उनको कॉन्सोलेशन, और जो वेटिंग में है बेचैन हैं, दिल धड़क रहे हैं आपके बहुत तेज़ी के साथ, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कहाँ तक वेटिंग क्लियर होगी, वीडियो देखें आप पूरी, आपको आपका आंसर यहाँ पर ज़रूर मिल जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचे। दोस्तों आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको मुझसे कोई सवाल पूछना है और आप चाहते हैं आपको उसका आंसर 24 घंटे के अंदर मिल जाए, तो नंबर मेरा नीचे दिया होगा व्हाट्सएप का, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा आपको मुझे पेमेंट करना होगा उस आंसर के लिए। यूट्यूब पे आप मुझे कमेंट करते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं, आपका नंबर कब आएगा मुझे भी नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं और मेरे पास इतने रिसोर्स नहीं हैं कि मैं आपका वहाँ पर आंसर फौरन कर पाऊँ। तो अगर आप चाहते हैं 24 घंटे में आपको आपका आंसर मिले, टाइमली इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मिलना, तो बहुत ही मामूली से पेमेंट आपको करना है, आपको आपका आंसर ज़रूर मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको उससे हेल्प होगी। दोस्तों यहाँ बात करते हैं आप कहाँ तक दोस्तों वेटिंग क्लियर होगी। दोस्तों पहले बताता हूँ आपको कहाँ पर कितनी सीट्स हैं। सो जनरल में सीट्स हैं 19, वेटिंग निकाली गई है 192। सो मुस्लिम जो कैटेगरी है 13 सीट्स हैं, वेटिंग निकली है 131। दोस्तों उसके बाद मतलब मुस्लिम ओबीसी एसटी में सीट्स हैं 4, वेटिंग दोस्तों वहाँ निकाली गई है 40। मुस्लिम वुमेन दोस्तों सीट्स हैं 4, वेटिंग निकली है 40। जम्मू कश्मीर में 2 सीट्स हैं, वेटिंग निकाली है 20। तो पहले बात करूँगा आपसे मैं जनरल के बारे में, जहाँ पर 192 वेटिंग। दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ पर जो मैक्सिमम वेटिंग क्लियर हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो कि एमबीए में क्वालिफाई कर रहे होंगे, एमएसडब्ल्यू में कर रहे होंगे, उसके अलावा एमपीटीएम में कर रहे होंगे, जहाँ जहाँ और ऐसे कोर्सेज हैं जो कि मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, बहुत सारे बच्चे वहाँ ज़रूर क्वालिफाई कर रहे होंगे। तो शायद बहुत सारे बच्चे वहाँ चले जाएँ जिनका मेन टारगेट एमए पॉलिटिकल साइंस है, वही यहाँ पर रुकेंगे, तो सीट इसमें मैं समझता हूँ डिसेंट अमाउंट में खाली होंगी ज़रूर। तो मेरे ख्याल से इसमें जो वेटिंग क्लियर हो सकती है, दोस्तों मेरे ख्याल से अगर बात करूँ आपसे जनरल में, तो 50 तक दोस्तों वेटिंग मेरे ख्याल से आसानी से क्लियर हो जाना चाहिए मैं समझता हूँ। और आपकी वेटिंग 50 के अंडर में है तो आपका चांस 70% तक बन सकता है, 50 के ऊपर 50-60-65 तक फिर 30% चांस मान लें, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है दोस्तों। बात 50 भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा चांस 70% है, 100% नहीं बोल रहा हूँ आपसे। अगर आप 100% तक चाहते हैं, तो अगर आपकी वेटिंग 25 के अंडर में आ रही है ना, 25 के अंडर में, तो फिर मेरे ख्याल से 100% चांस है आपकी वेटिंग क्लियर हो जाएगा। सो बात करेंगे आपसे मुस्लिम के बारे में, 13 सीट दोस्तों यहाँ पर हैं। यहाँ दोस्तों मेरे ख्याल से मैक्सिमम वेटिंग जो होगी क्लियर, मेरे ख्याल से 40 से ज़्यादा वेटिंग क्लियर होना बहुत मुश्किल है, 40 तक के चांस, शायद 70% आपके चांस होंगे, 40 के ऊपर जाएंगे, और 50 तक तो शायद वो 30% होगा। सो बात करेंगे आपसे मुस्लिम कैटेगरी में, 4 सीट्स हैं। तो यहाँ दोस्तों मेरे ख्याल से मैक्सिमम वेटिंग जो हो सकती है क्लियर, वो 10-12 है, इसके ऊपर दोस्तों वेटिंग क्लियर होना बहुत मुश्किल है। इवन 8 तक अगर आपकी वेटिंग है तो शायद 70% चांस आपको हो जाएगा, और 8 के ऊपर फिर 30% का चांस मेरे ख्याल से आपका रहेगा, इसके ऊपर अगर होती है तो फिर वो एक मतलब मिरेकल होगा, उससे कम वो नहीं होगा। उससे बात करेंगे आपसे मुस्लिम वुमेन, यहाँ भी 4 सीट्स हैं, 40 वेटिंग, यहाँ भी दोस्तों वही सेम सीन है, 10 से 12 तक क्लियर हो सकती है, इसके ऊपर का चांस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इवन 1% मान लें उससे ज़्यादा दोस्तों नहीं है। फिर लास्ट कैटेगरी आपके लिए, यहाँ आपके जम्मू कश्मीर 2 सीट्स हैं, 20 वेटिंग, दोस्तों मेरे ख्याल से 5 के ऊपर वेटिंग क्लियर होना नामुमकिन है, अंडर 5 अगर आपकी वेटिंग है तो शायद क्लियर आपकी हो जाए, 2-3 तक तो शायद क्लियर हो जाएगी मेरे ख्याल से, 3-4-5 तक हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों ये था मेरा गैस, इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।